जी प्यारे विद्यार्थियों, प्यार परी सत श्री अकाल। अज असी सत्तवीं जमात का पाठ 6 लाला लाजपत राय जो है जीवनी है उसकी व्याख्या करन जा रहे हाँ। जीवनी की हुंदी है बेटा? किसी महान मनुख के जीवन की कथा जिहड़ी लिखी जाती है किसी के द्वारा, उसनूं असी जीवनी कह दिंदे हाँ। तो लाला लाजपत राय जिस तरह साडे देश नूं आजाद कराउण दे विच बहुत सारे देश भगतों ने अपना योगदान पाया सी, इस तरह उन्हां देश भगतों विचों एक देश भगत लाला लाजपत राय जी भी सन। तो उन्हां दे जीवन बारे असी अज पढ़ांगे। 17 नवंबर का दिन सी, अमन ते कमल पिछले एक घंटे तो बैडमिंटन खेड रहे सन। उस समय उन्हां दे दादा जी ने उन्हां दे नेड़े आके कुर्सी ते उन्हां दे दादा जी उन्हां दे नेड़े आके कुर्सी ते बैठ गए। नेड़े मतलब नज़दीक आके थोड़े समय मगरों ही अमन ते कमल भी दादा जी कोल आपो अपनी कुर्सी ते बैठ गए। उन्होंने दादा जी नूं उन्होंने दादा जी अखबार पढ़ रहे सन। अमन ने दादा जी नूं पुछया, दादा जी की पढ़ रहे हो? दादा जी ने कहा, बेटा अमन, मैं लाला लाजपत राय जी दे जीवन ते शहादत बारे लेख पढ़ रहा हाँ। शहादत की हुंदा बेटा? देश दे लई दित्ती गई जिहड़ी कुरबानी हुंदी है उहनूं असीं शहादत कह दिंदे हां। अज उन्हां दा शहीदी दिहाड़ा है। ये बहुत ही वधिया लेख है। इसे समय कमल ने कहा, दादा जी लाला लाजपत राय जी बारे सानू भी कुछ दसो। दादा जी ने कहा, पुत्रो, अज जिस आज़ादी का तुसी निघ माण रहे हो इसनू प्राप्त करन लई बहुत सारे भारतीयों नू अपनी शहादत देनी पई सी। इन्हां देश भगतां विच लाला लाजपत राय जी का नाँ उगा नाँ है। उगा मतलब मशहूर नाँ है, प्रसिद्ध नाँ है। दादा जी की यह गल सुन के अमन ने दादा जी नूं कहा, दादा जी तुसी सानू अज लाला लाजपत राय जी के जीवन बारे पूरी जानकारी दो। इसे समय ही अमन ते कमल की वड्डी भैन रोजी भी उन्हां कोल आ बैठी। कमल ने उसनूं दस्या कि हुण दादा जी लाला लाजपत राय जी के जीवन ते शहादत बारे दसण लगे हन। इस ते रोजी ने कहा, मैं उन्हां दा नाँ तां सुनिया है पर हुण मैनूं उन्हां बारे कुछ याद नहीं, इसलिए अज मैं भी तुहाडे कोल बैठ के उन्हां बारे पूरी जानकारी प्राप्त करनी है। अमन, कमल ते रोजी दादा जी दे नेड़े बैठ गए। सारे कहानी सुनन लई बड़े उत्सुक सन। उत्सुक मतलब उतावले सन। उन्हां नूं बड़ी काहली सी। दादा जी ने अपनी गल शुरू करदिया कहा, बच्चों, तुहानूं पता ही है कि साडा देश लगभग 200 साल अंग्रेज़ां दा गुलाम रहा है। अंग्रेज़ भारतीयां ते समय समय ते तरह तरह दे अत्याचार करते सन। अत्याचार मतलब जुल्म करते सन। उस समय बहुत सारे भारतीय नौजवानों ने संगठित हो के अंग्रेज़ों का विरोध किया। संगठित हो के मतलब कट्ठे हो के ते अपनियां कुर्बानियां दे के भारत देश नूं आज़ाद करवाया। इस संघर्ष विच अणगिणत भारतीयों नूं अपनी जीवन दी कुर्बानी देनी पई। अणगिणत मतलब जिन्हां बारे गिणती नहीं, बहुत सारे। दादा जी ने अखबार नूं एक पासे रखदिआं कहा, बच्चो, लाला लाजपत राय जी का जन्म 28 जनवरी 1865 नूं वर्तमान जिले मोगे दे पिंड ढुड्डी के विखे नानके घर होया सी। उन्हां दे पिता श्री राधा कृष्ण जी जगराओं दे विच रहिंदे सन। उह वी अध्यापक सन। लाला लाजपत राय जी ने अपनी मुढ़ली सिक्ख्या जगराओं तों प्राप्त कीती। उन्हां अपनी 10वीं जमात अंबाले तों पास कीती सी। इस उपरंत उन्हां अपनी उचेरी पढ़ाई सरकारी कॉलेज लाहौर तों प्राप्त कीती। उचेरी पढ़ाई मतलब अगे दी उच्च सिक्ख्या। लाहौर तों ही उन्हां वकालत दी डिग्री पास कीती। वकालत मतलब वकील दा कोर्स, जिन्हों तुसीं ला दी डिग्री अजकल कहने हो, वह पास कीती। कमल बोलिया, दादा जी लाला जी तां बहुत पढ़े लिखे सन। हाँ पुत्र, उन्हां चंगी पढ़ाई कीती सी, दादा जी ने कहा। दादा जी ने गल अगे तोरी, बच्चों, लाला जी ने वकालत दी डिग्री करन उपरंत हिसार, जो कि हरियाणे विच है, विच लगभग 6 साल वकालत कीती। इस मगरों उन्हां लाहौर हाई कोर्ट विच वकालत कीती सी। ओ हिसार ते लाहौर विच वकालत करन समय ही लोक सेवा ते समाज सुधार दे कम्मां नाल नेड़ियों जुड़ गए सन। इस तरह उन्होंने इस समय दौरान हर लोड़वंद की हर संभव सहायता की। लोड़वंद मतलब जिसनों जरूरत सी, जरूरतमंद। रोजी फिर बोली, दादा जी लाला जी होर की करते सन? दादा जी कहन लगे, बेटी रोजी, उस समय सारे देश विच अंग्रेज़ां विरुद्ध एक
विरुद्ध कई अंदोलन चल रहे सन। अंदोलन मतलब इकट्ठे हो के उन्हां दा विद्रोह करन लई लोक इकट्ठे होए हुए सन। अड अड जिहड़े अंदोलन नूं असीं होर की कह सकते हैं, कोई जलसे चल रहे सन, समागम करदे सी लोक इकट्ठे हो के, लहरां चल रही सी अंदोलन वख वख, उन्हां नूं उन्हां दा विरोध करन लई कोई किसी तरीके नाल विरोध करदा सी, कोई किसी तरीके नाल। अजिहे अंदोलनां विचों ही एक रावलपिंडी विच लगा किसान मोर्चा सी। लाला जी ने इस मोर्चे विच भाग लिया सी, जिस कारण अंग्रेज़ सरकार उन्हां नूं अपने लई खतरा समझदी सी। लाला जी एक वकील वजों बहुत प्रसिद्ध हो गए सन। वह हर मुकदमा लड़न तो पहला उस बारे बहुत सोच विचार करते सन। उधर अंग्रेज़ सरकार की नज़र सरकार उन्हें नज़र उधर अंग्रेज़ सरकार की उन्हें नज़र सी। एक दिन अंग्रेज़ सरकार ने उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में जाते समय गिरफ़्तार कर लिया, तो फिर पहला कलकत्ते तो फिर बर्मा की जेल में पहला कलकत्ते तो फिर बर्मा की जेल बर्मा की मांडले जेल में भेज दिता। पर देश भर में उन्हों की गिरफ़्तारी का विरोध कारण सरकार ने उन्होंने 6 महीने पिछों रिहा कर दिता। लाला जी देश की आज़ादी तो उन्नति लई विद्या नूं बहुत जरूरी समझते सन। वह अंग्रेजी विद्या प्रणाली के विरोधी सन, इसलिए उन्हां लाहौर के DAV कॉलेज की कमेटी विच हुंदिया उत्थे विदेशी भाषा के नाल नाल मात भाषा की सिक्ख्या भी शुरू करवाई। अमन दादा जी नूं पुछण लगा कि लाला जी कदे विदेश भी गए सन। दादा जी बोले, बेटा लाला जी कांग्रेस पार्टी विच शामिल हो के काम करन लगे सन। कांग्रेस पार्टी वल्लों ही वह 1905 विच पहला इंग्लैंड ते फिर 1914 विच अमरीका भी गए सन। वह विदेशों विच भारतीयों नूं देश की आज़ादी प्राप्त करन लई भाषण भी दिंदे सन ते अखबारां विच लेख भी लिखदे सन। लाला जी पहले महायुद्ध समय जापान विच सन। अमरीका विच रहिंदिआं ही उन्होंने यंग इंडिया नां दी अखबार कढ़ी सी ते उन्हां ही अपनी पुस्तक अनहैप्पी इंडिया भाव दुखी भारत लिखी सी। लाला जी 6 साल मगरों 1920 भारत आए सन। रोजी बोली, दादा जी फिर लाला जी ने की कीता? दादा जी ने कहा, बेटी हुण लाला जी देश की आज़ादी लई चलाए जा रहे अंदोलनों विच वध चढ़ के भाग लैण लगे और वो लोग उन्होंने जोशीले भाषण सुनते सन। जोशीले मतलब जिन्हां नूं सुन के जोश आ जांदा सी, जोश भरे लोग उन्हां नूं पंजाब केसरी आखण लग पए, मतलब उन्होंने एक नाम दे दिता गया सरनेम पंजाब केसरी का। लाला जी की बदी मकबूलीयत मकबूलीयत की हुंदी है बेटा, प्रसिद्धि देख के अंग्रेज़ सरकार उन्होंने कैद कर लिया तो फिर 2 साल मगरों छड़ दिता सी। उस वेले तक लाला जी का नाम बहुत प्रसिद्ध हो गया सी अते भारत वासियों विच देश की आज़ादी लई जोश भी ठाठा मार रहा सी। ठाठा मार रहा सी मतलब बहुत जोरां ते सी उन्हां दा जोश, नको नक भरे पए सी लोग जोश दे नाल ते उह जिहड़े सी मतलब हर तरीके नाल आज़ादी लई हर संभव यतन करन लग पए सी। इस समय अंग्रेज़ सरकार ने लोगों के विचारां ते जोश नूं परखण लई वलायत तों साइमन कमीशन भारत भेजिया। इस कमीशन ने इस कमीशन दे सारे मैंबर अंग्रेज़ ही सन। इस ते भारतीयां ने इस कमीशन का बाइकाट कर दिता। जदों कई शहरां विच जाण मगरों ये कमीशन 30 अक्तूबर 1928 नूं लाहौर पहुँचया तां भारत वासियों ने इसका तिखा विरोध किया। इस विरोध प्रदर्शन विच हज़ारां भारती शामिल सन। इस मुजहरे की अगवाई लाला लाजपत राय जी कर रहे सन। मुजहरा मतलब जो जुलूस सी, जो लोगों का इकट्ठ सी, उसकी अगवाई कौन कर रहे सी? लाला लाजपत राय जी। इस समय अंग्रेज़ सरकार ने लाहौर दे पुलिस अफसर स्काट अते सांडरस की अगवाई विच यह मुजहरा कर रहे निहत्थे भारतीयों ते डांगा चलाईयां। निहत्थे कौन हुंदे बेटा? जिन्हां कोल कोई हथियार ना होवे, खाली हथ होण। इस समय लाला जी भी पुलिस दीयां डांगां नाल गंभीर जख्मी हो गए सन। लाला जी नूं उस समय लाहौर दे हस्पताल विच दाखिल कराया गया। लाला जी की सेहत दिनों दिन बिगड़ती गई ते अखीर वह 17 नवंबर 1928 ईस्वी नूं सानू सदीवी विछोड़ा दे गए। सदीवी मतलब सदा लई, इस धरती तो चले गए, सदा लई सानू विछोड़ा दे गए। बच्चों, लाला जी की मौत का हर भारती ने सोग मनाया।
इसे कारण हर भारती का खून उबाले खाण लगा सी। एहो कारण सी कि लाला जी की शहादत तो महीना कु मगरों ही भगत सिंह अते उन्हां दे दो होर साथियों ने अंग्रेज़ पुलिस अफसर सांडरस नू लाहौर विच गोलियां नाल मार के लाला जी की शहादत का बदला लिया सी। तां इस तरह लाला जी की शहादत ने भारत की आज़ादी लई चल रहे संघर्ष विच बलदी ते तेल पाउण वाला काम किया। बलदी ते तेल पाउणा की हुंदा बेटा? एक मुहावरा है, इसका अर्थ हुंदा है किसी काम नू होर तेज़ करन लई कोई काम कर देना, किसी चीज़ नू होर ज़्यादा मतलब जे अग बलदी होवे उहदे ते जदों तेल पा दिंदे आ तां उहदे नाल अग होर तेज़ हो जाती है। इस तरह बलदी ते तेल पाउणा मुहावरा उदों वरत्या जांदा है जदों साडे किते काम नू नाल वह चल रहा काम होर ज़्यादा ज़्यादा तेजी नाल होना शुरू हो जाए। तो इस तरह लाला जी की जिहड़ी शहादत सी उसने भी आज़ादी की लड़ाई लई जो संघर्ष चल रहा सी उस विच बलदी ते तेल पाउण वाला काम किया, मतलब उस नाल आज़ादी का संघर्ष जिहड़ा होर तेजी फड़ गया। इंज लाला जी ने अपने जीवन अपना जीवन देश की कुरबानी लई देश दे लई कुरबान कर दिता सी। दादा जी ने बच्चों नूं दस्या, अमन बोलिया, दादा जी लाला जी तां दी शहादत नूं कदे भुलाया नहीं जा सकदा। रोजी कहन लगी, दादा जी मैं लाला जी दी शहादत बारे अपनी जमात विच सारिआं नूं दसांगी। कमल कहन लगा, मैं तां लाला जी दी सुंदर तस्वीर लिया के अपने कमरे विच लावांगा। इस ते दादा जी ने कहा, बच्चो शहीदां नूं सच्ची सुची श्रद्धांजलि यही है कि उहनां दे विचारां ते अमल करदिआं उहनां दे सुपनिआं नूं पूरा कीता जावे। सारे बच्चिआं ने अजिहा करन दी हामी भरी। चलो बच्चियो हुण हनेरा होण वाला है, अंदर चलीए, दादा जी ने कहा। इस मगरों सारे अंदर चले गए। इस तरह बेटा इस लेख दे राही इस तुसी लाला लाजपत राय जी दी जीवन बारे जो कुछ सीखिया उम्मीद है तुहानू चंगा लग्या होएगा। तो तुसी भी लाला लाजपत राय जी दी शहादत नू याद रखण लई उहनां दे दसे पूरनिआं ते चलण दी कोशिश करोंगे। इस तों बाद पाठ दे शब्द अर्थ हन, बहुत छोटे उत्तरां वाले प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, छोटे उत्तरां वाले ते वड्डे उत्तरां वाले प्रश्न तुसी हल कर लेने हैं। उस तों बाद पाठ दे वाक सही गलत ते उस तों बाद व्याकरण भाग जिहड़ा तुसी हल कर लेना है। व्याकरण भाग दे विच पहले प्रश्न दे विच समानार्थक शब्द लिखने हैं ते दूजे दे विच उपर तुहानूं कुछ शब्द दिते गए हैं उहनां दे विचों नाम दे सामने नाम चुन के लिख देने हैं, पड़नाम दे सामने पड़नाम अते विशेषण शब्द विशेषण दे सामने चुन के लिख देने हैं। इस तो बाद हेठां कुछ वाक दिते गए हैं उन्हां दे विचों जिहड़े पड़नाम शब्द है उन्हां नूं तुसीं अंडरलाइन कर देना है। योग्यता विस्तार का प्रश्न तुसीं अपने आप हल करोंगे अते इन्हां प्रश्नां दे हल उत्तर है जिहड़े मैं तुहाडे नाल अगली वीडियो विच सांझे करांगी। तद तक लई धन्नवाद।